नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार दोस्तों में। आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि बिहार में मंत्रिमंडल के लेकर क्या अपडेट। साथ ही हम आपको बताएंगे कि पटना में अब 40-50 रुपए घटा मुर्गा का दाम। फिर हम आपको बताएंगे पूरे देश में कब से शुरू हो रहा है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। बिहार में वेदर अपडेट की रिपोर्ट देंगे। बिहार में होने वाले अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती को लेकर। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार के 5 विश्वविद्यालय में बनेंगे इंडोर स्टेडियम। फिर बड़ी खबर, बिहार चुनाव में आए रिजल्ट का मामला पहुंचा है। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई आसान। फिर आपको हम बताएंगे कि बिहार में कब तक बढ़ाई गई ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने की। बिहार से महाकुंभ के लिए चलने वाली 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेन के बारे में आपको हम बताएंगे। फिर हम आपको अंत में बताएंगे कि जेडीयू की हुई बैठक में क्या बवाल। फटाफट से अपने तरफ से इस वीडियो को सभी एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिए और साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले में रहते वीडियो हैं। के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और हमेशा की तरह किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। सबसे पहली खबर, एनडीए में मतभेद और मंत्रिमंडल विस्तार पर खुलकर बोले वीआईपी चीफ और मंत्री मुकेश सहनी। जी हां, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही अटकलों और बयानबाजियों के बीच राज्य के पशुपालन एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी की भी प्रतिक्रिया आई है। शनिवार को उन्होंने कहा कि खरमकास बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को इसके उलट बयान दिया था और कहा था कि अभी तक इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार में हो रही देरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि मेरे कार्यकाल में पहली बार देरी हुई है। पटना में 40-50 रुपए घटा मुर्गा का दाम, मरा हुआ कौवा और उल्लू मिलने से हड़कंप, बर्ड फ्लू की आशंका। बर्ड फ्लू के दशहत ने राजधानी पटना में हजारों चिकन दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई है। चिकन खाने के शौकीन लोगों में बर्ड फ्लू का डर है, वे चिकन खाना कम कर दिए हैं या फिर बंद ही कर दिए हैं। पटना में मरा हुआ कौवा और उल्लू मिलने से लोगों में हड़कंप की स्थिति है। चिकन की बिक्री लगभग 40-50% कम हो गई है, जिसके कारण दाम भी अब बहुत कम हो गया। आपको बता दें कि पटना में इन दिनों चिकन खरीदार बहुत कम दिख रहे हैं। मुर्गा की दुकान पर बहुत कम लोग दिख रहे हैं, हालांकि मटन और मछली की दुकान पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। बर्ड फ्लू के दस्तक देने की आशंका को लेकर लोग काफी डरे हुए हैं। राजधानी पटना में एक दिन में चिकन की बिक्री 40% तक गिर गई है। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, 16 जनवरी से शुरू होगा देश भर में कोरोना का टीकाकरण। जी हां, देश में कोरोना के टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्तियों के कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शुरुआत में लगभग 3 करोड़ लोगों में कोरोना का टीका लगाया जाएगा, जो निःशुल्क होगा। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाए जाने की रूपरेखा तैयार की गई है। पहले चरण में जिन बाकी 27 करोड़ लोगों का टीकाकरण होना है, उनका टीकाकरण उसके बाद शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि 16 जनवरी को भारत कोरोना वायरस से लड़ने में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ गया है। 16 जनवरी से भारत का राष्ट्रव्यापी कोरोना का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। तो बिहार में पहले चरण के अंदर 4.5 लाख लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। राज्य सरकार ने पूरी की तैयारी। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन के लिए हरी झंडी मिलने के बाद अब बिहार में भी टीकाकरण को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में पहले चरण के अंदर 4,62,000 फ्रंट लाइन वर्कर को वैक्सीन दिया जाएगा। कोविड-19 पर टीकाकरण के लिए अब तक के 4,62,026 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि पहले चरण में सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 पर निबंधन की सुविधा दी गई थी। बिहार में सोमवार से गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। बिहार में तापमान अब भी सामान्य से ज्यादा है।
पिछले 24 घंटे में भी पूर्वानुमान के मुताबिक ठंड में वृद्धि नहीं दिखी गई है और अगले 24 घंटे में भी विशेष बदलाव के आसार नहीं है। शनिवार को भी राज्य के अधिकतर शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहा है, लेकिन मौसमविदों का कहना है कि सोमवार से पछुआ हवाओं का जोर बढ़ सकता है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी कमी आएगी। अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम पारे में 2 से 5 डिग्री तक गिरावट आ सकती है, जिससे ठंड बढ़ेगी। बिहार में अकाउंटेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट के पदों पर भर्ती। जी हां, नेशनल हेल्थ मिशन बिहार ने अकाउंटेंट और अकाउंटेंट असिस्टेंट के पदों पर 84 भर्तियां निकाली गई है। इन पदों पर इच्छुक और योग्य उम्मीदवार स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार .org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी 2021 तक रखी गई है। बड़ी खबर, बिहार के 5 विश्वविद्यालय में बनेंगे इंडोर स्टेडियम। उच्च शिक्षण संस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी बनेगा। जी हां, राजभवन ने प्रदेश के 5 विश्वविद्यालयों में स्विमिंग पूल से लेकर बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण की मंजूरी दे दी है। भूमि चयन और निर्माण एजेंसी का चयन 3 माह के अंदर किया जाएगा। निर्माण कार्य हेतु केंद्र सरकार से 13,32,00,000 रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। राजभवन सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि पटना विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय एवं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए जमीन चिन्हित करने का निर्देश कुलपतियों को दिया गया है। साथ ही ये भी बताया गया कि आने वाले समय में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, बीएन मंडल विश्वविद्यालय, एएन मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय और पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी स्विमिंग पूल से लेकर बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण का प्रस्ताव है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस विश्वविद्यालय में पढ़े हैं या अभी पढ़ रहे हैं। बिहार चुनाव में आए रिजल्ट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। हार को चुनौती दे रही है कई प्रत्याशी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब चुनाव में पराजित कई उम्मीदवार ने पटना हाईकोर्ट की शरण ली है। इन उम्मीदवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विजयी उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती दी है। याचिका दायर करने वाले में कई अलग अलग दलों के नेता शामिल है। सभी ने कई अलग अलग दलीलों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार याचिका दायर करने वालों में भाजपा, कांग्रेस, राजद सहित कई अन्य दलों के भी प्रत्याशी शामिल है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अदालत की शरण ली है। इसमें प्रमुख नाम बरबीघा के कांग्रेस प्रत्याशी गजानन शाही, झाझा के राजद उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद, वेंकटपुर से भाजपा उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी, परिहार विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी ऋतु कुमार शामिल है। बिहार में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया हुई आसान, आवेदक को मिली इन परेशानियों से राहत। जी हां, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए इच्छुक को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था, जिसे मुक्ति दिलाने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम में संशोधन कर कागजात के नाम पर सिर्फ आधार कार्ड को आवश्यक बताते हुए ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया काफ़ी आसान कर दी है। किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का रखना नितांत आवश्यक है। इसे बनवाने के लिए पहले परिवहन कार्यालय के कई बार चक्कर लगाना पड़ता था। इससे अधिक तो एजेंटों के द्वारा भी लोग बनवाते थे, जिससे अधिक राशि खर्च करना पड़ता था। इन समस्याओं को दूर करने के लिए परिवहन मंत्रालय ने वाहन अधिनियम 1990 में संशोधन किया। इसके तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब ज्यादा कागजात की जरूरत नहीं है, सिर्फ आधार कार्ड से ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। बिहार में बढ़ाई गई ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख। जी हां, आम नागरिक व जमीन मालिकों की सुविधा को लेकर सरकार ने 31 मार्च 2021 तक ऑफलाइन भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें कहा गया कि रैयत व भूमिधारियों से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर अंचल स्तर से ऑनलाइन LPC के साथ 31 मार्च तक अंचल स्तर पर जमीन मालिकों से प्राप्त आवेदन के आधार पर ऑफलाइन LPC जारी किया जाए।
महाकुंभ के लिए चलेगी 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें। जी हां, महाकुंभ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए 12 जनवरी से 1 मई के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन पटना वाराणसी और लखनऊ होते हुए हावड़ा और देहरादून के बीच चलेगी, जबकि हावड़ा से धनबाद होते हुए ऋषिकेश बीच 1 जोड़ी महाकुंभ पर्व स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा। हावड़ा और देहरादून के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेनों में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी का 1, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी का 1 और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 3, रसायन श्रेणी के 6 और जीएस के 3 कोच होंगे। आपको बता दें कि हावड़ा देहरादून स्पेशल ट्रेन 12 जनवरी से 30 अप्रैल तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को चलेगी। वहीं देहरादून हावड़ा स्पेशल ट्रेन 13 जनवरी से 1 मई तक प्रत्येक बुधवार और शनिवार को चलेगी। हावड़ा ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 12 जनवरी से 30 अप्रैल तक प्रतिदिन और ऋषिकेश हावड़ा स्पेशल ट्रेन 14 जनवरी से 2 मई तक प्रतिदिन चलेगी। और फिर गोरखपुर पाटलिपुत्र गोरखपुर स्पेशल ट्रेन 13 जनवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को चलेगी। जेडीयू की बैठक में बीजेपी पर बवाल, नीतीश के पार्टी नेताओं ने कहा भाजपा ने पेट में छुरा भोंका, अभी भी चेत जाइए। जी हां, पटना में कल चल रही जेडीयू की बैठक में एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। पार्टी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। भारी बैठक में आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं ने विधानसभा चुनाव में जेडीयू की बुरी हालत के लिए बीजेपी को जिम्मेवार करार दिया है। जेडीयू नेता ने कहा हम एलजेपी नहीं बीजेपी के कारण हारे है। पार्टी अगर अभी भी नहीं चेती तो फिर धोखा खाना पड़ेगा। राज्य हाईकोर्ट लालू मामले में सरकार से मांगी रिपोर्ट, 22 जनवरी तक जमा करने का दिया आदेश। जी हां, चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किए जाने पर झारखंड हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। साथ ही सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगा है कि आखिर क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किया गया। कोर्ट ने सरकार से 22 जनवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। अब जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 493 लोग पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 256,419 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 4,543 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, तो दूसरी ओर सबसे ज्यादा 233 नए मामले पटना से सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर कोरोना से 4 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1,428 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि 24 घंटे के भीतर 504 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। और अंत की बड़ी खबर, 6 माह में भागलपुर टॉप 50 स्मार्ट सिटी में शामिल होगा। मल्टी लेवल और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, घाटों को सुंदर बनाया जाएगा। जी हां, भागलपुर शहर को 6 माह के अंदर भारत के टॉप 50 स्मार्ट सिटी में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। भागलपुर स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का क्षेत्र विस्तार करने का निर्देश दिया गया है। अभी भागलपुर का एबीडी क्षेत्र लगभग 613 एकड़ है, जिसे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश भागलपुर स्मार्ट सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष, सह प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग आनंद किशोर ने विभागीय कार्यालय में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के पदाधिकारियों को दिया है। साथ ही निर्देश दिया है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए पार्किंग स्पेस की तलाश करें और वहां पर अंडरग्राउंड पार्किंग, मैकेनाइज्ड पार्किंग या मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण की संभावना पर विचार करें, क्योंकि भागलपुर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर है। कल के सवाल का काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। आज के लिए आपका सवाल यह है कि बताएं कि वह कौन सा धातु है जिसे द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।